हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ दीपशिका शेखावत, आई एम टीचिंग यू एट इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकेंड ईयर। वी आर रीड सेकेंड पेपर। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड पेपर इंग्लिश का, सेकेंड पेपर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड पेपर। ओके, नाउ स्टार्ट, रेडी। बुक किस टॉपिक? आर के नारायण, बुक किस टॉपिक? वी रीड अवर प्रीवियस क्लास, आर के नारायण बुक किस टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? आर के नारायण का बुक किस टॉपिक, ये हम पढ़ चुके हैं। पूरा क्लियर है कि किसके ऊपर है ये? मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑथर जो है, ऑथर के जो मतलब जो पेन है, जो दर्द है उनकी किताबें ना मिलने पे, उसके ऊपर उन्होंने ये एक ऐसे लिखा है और इसका नाम बुक किस टॉपिक इसलिए दिया क्योंकि ये बुक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पहली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, पूरा ऐसे हमने पढ़ा है, पूरे उसके जो समरी वाइज जो था पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन, ऑथर का इंट्रोडक्शन है, ऐसे का इंट्रोडक्शन है, समरी ऑफ द ऐसे है, तो ये चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आज की क्लास में मैं आपको जो एक बड़ा ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, उसके जो मेन पॉइंट्स, आपको किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैं आपको लिखा रही हूँ। लास्ट चैप्टर के भी मेन पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, इवन मैंने व्हाट्सअप भी किया है और मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कहा है कि आपको नोट्स बना के मुझे व्हाट्सअप पे सेंड करना है, ठीक है। थर्सडे के दिन सबके नोट्स मेरे पास आने चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर का मेन पॉइंट्स, मैं आपको लिखा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है? आर के नारायण। तो जब आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको शुरुआत किस तरीके से करनी है? आपको एक काम करना है, आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके जो ऑथर है, राइटर है, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों के, अगर पोएट है तो पोएट के बारे में, और ऑथर है, राइटर्स हैं, तो उनके बारे में आपको एक पैराग्राफ सबका अभी से शुरुआत कर दो, अभी से आप उनको बनाना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बर्थ जो है, उनकी जन्म की सन और मृत्यु की सन आपको अंगुली पे याद होनी चाहिए। जब भी क्लास होगी मैं कभी भी अंगुली के ऊपर पूछ सकती हूँ कि आर के नारायण की डेट ऑफ ईयर क्या है, बर्थ ईयर क्या है, डेथ ईयर क्या है, तो ये आपको एकदम से याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको मैं लिखवा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। सेकेंड पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू द एसे, एसे का पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन, एसे का इंट्रोडक्शन कि किसने लिखा है, कहाँ से लिया है, और इसका अगर कोई टाइटल है, कोई वॉल्यूम है या कुछ है जिसमें से ये लिया गया है, तो उसके बारे में आपको चार या पांच लाइन लिखनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको समरी, समरी ऑफ द एसे, एसे की जो समरी है पूरी, इतने बड़े एसे है तो ऐसे नहीं कि इतना बड़ा आपको लिखना है, कम से कम 8 या 10 लाइन के अंदर आपको उसको शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो कि समरी के अंदर मेन मेन जो मुद्दा है उसके अंदर, इसके अंदर जैसे है कि जो आपका
आर.के. नारायण के थॉट्स हैं, बुक्स पैरेट बताया गया है, पुस्तक चोर बताया गया है, आपको अपनी लाइब्रेरी कैसे मेंटेन करनी है, जो भी तरीके उनमें जो ड्रॉवर्स ऑफ बुक्स हैं वो बुक्स ले जाते हैं, किस तरीके से मतलब वो बहाने बनाते रहते हैं, तो उन सबको एक मतलब निष्कर्ष रूप में निकाल के एक समरी वाइज करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना के आपको उसके अंदर वो लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका, इट इज ए एगोनी एगोनी एसे। ठीक है, दुख का चित्रण हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ, इसमें क्या है दुख का चित्रण, किसका है यहाँ पे ऑथर का, ऑथर का जो पेन है जो दर्द है उसको एक मतलब कि एक हास्य तरीके से एक मतलब क्या बोलते हैं कि आयरनी की तरह तरीके से होमर की तरीके से इसने मतलब अपना जो इसमें जो दुख है उसका चित्रण किया है इस ऐसे में। इस पॉइंट का मतलब है इट इज एगोनी ऐसे, एगोनी से होता है दुख का चित्रण। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिफ्थ नंबर पे आपका है ऑथर ब्लैकेस्ट थॉट, नकारात्मक विचार, किसके प्रति है ये जो पुस्तक ले जाते हैं, तो ऑथर ब्लैकेस्ट थॉट्स, लेखक के नकारात्मक जो विचार है जो पुस्तक मांग के ले जाते हैं उनके प्रति किस तरीके के हैं वो लिखना है आपको इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। सिक्स्थ नंबर पे आपका है पेन ऑफ द ऑथर की जगह हम लिख देते हैं ऑनर, ऑनर ऑफ द बुक्स, दर्द पेन मीन्स क्या होता है दर्द, जो दर्द ऑनर ऑफ द बुक्स किताबों के जो मालिक है उनका जो दर्द है वो किस तरीके से ऑथर ने इसके अंदर दिखाया गया है, तो आपको इस पॉइंट के अंदर ये लिखना है। ठीक है, वो आपको पूरी समरी में से ही निकाल निकाल के लिखने हैं ये सारे पॉइंट्स। सेवन नंबर पे आपका है बुक पैरेट, बुक पैरेट किसको कहा गया है, सॉरी पुस्तक चोर, इसके लिए है ये ड्रॉवर्स ऑफ द बुक्स, ड्रॉवर्स ऑफ द बुक्स, पुस्तक चोर किसके लिए है BORROWER ड्रॉवर्स ऑफ द बुक। ठीक है, सात पॉइंट क्लियर है आपके, ऊपर का मिटा देंगे। सेवेंथ हो गया, एट नंबर पे आपका है ब्रावर ऑफ द बुक, बुक्स पुस्तक मांग के जो ले जाते हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है, वो किस तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, वो लिखना है आपको। नाइन नंबर में हाउ मेंटेन
मेंटेन योर ओन लाइब्रेरी। How maintain your own library? आप अपनी लाइब्रेरी को किस तरीके से मेंटेन करोगे? लेखक ने ऑथर ने आपको इसमें समझाया था कि आपको अपनी लाइब्रेरी किस तरीके से मेंटेन करनी है। या तो आप किसी को बुक दो ही मत, अगर आप बुक्स देते हो तो आप उसको पर डे के ऊपर चार्ज लगाओ और एक टाइम दो उसको कि इस टाइम तक मेरी बुक आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप किस तरीके से उसमें चार्जेबल होगे, चार्ज लगाओगे आप किस तरीके से, ठीक है? तो हाउ मेंटेन योर ओन लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे? क्लियर है यहां तक? 10 नंबर पे जो है, व्हाई शुड एन ऑथर want his own book? Books. Explain करना है इसको। लास्ट में क्वेश्चन था ऐसे के लास्ट में कि why should an author want his own book? His own book. Want इज ऑन बुक, एक्सप्लेन करो कि एक ऑथर, एक लेखक अपनी खुद की बुक्स क्यों नहीं मांग सकता, क्यों नहीं ले सकता? व्हाई शुड एन ऑथर वांट, क्यों नहीं ले सकता? इस चीज को आप एक्सप्लेन करो कि आपकी खुद की बुक है और तो आप उसको मांग रहे हो, अगर किसी से ले रहे हो तो उसमें क्या गलत है? इस चीज को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ओके, क्लियर है? 11 नंबर में है, मेक योर ओन रूल, नियम। क्या बताया है कि मेक योर ओन रूल्स, आपको अपने खुद के रूल्स बनाने होंगे आपकी लाइब्रेरी के लिए, आपकी बुक्स के लिए, कि आप किस तरीके से उनको मेंटेन करोगे। आपको अपने खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिस तरीके से रूल्स में बताया था कि जिस तरीके से कि आप अपना भोजन, आप अपना खाना किसी से शेयर नहीं कर सकते, इन द सेम वे आप अपनी बुक्स कैसे शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते किसी से शेयर। तो जैसे हम हमारा खाना, हमारा भोजन, जो हमारी जो डाइट, हमारी जो मील है वो हम किसी से शेयर नहीं कर रहे, तो हम हमारे बुक्स भी कैसे शेयर कर सकते हैं? तो आपको खुद के रूल्स बनाने हैं कि आप अपने बुक को किस तरीके से अपने पास रखोगे। उस रूल्स के अंदर जैसे ये क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपको इसमें चेंजिंग करनी है। ओके, ट्वेल्व नंबर पे है, नारायण सो बिटर अगेंस्ट द Bowers of his book. Twelve, thirteen. This is the author's complicated problem.
स्टार्टिंग 14 नंबर पे है, ऑथर सेल्फ लव अबाउट हिज बुक्स। 15 पे है आई मी एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोगों को मैंने जो कहा तक समझा दिया था, मेक योर ओन रूल्स, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। 12 नंबर पे है नारायण सो बीटल, बीटल मीन्स होता है कठोर होना। 13 नंबर पे है दिस इज द ऑथर्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। क्या है ये? ऑथर की, ऑथर मीन्स लेखक की, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम किस तरीके से है? बिकॉज ही ऑथर है, लेखक है, तो ऑब्वियसली वो लिखेगा, लिखने का काम अगर उसका है, अगर वो बुक्स लिखता है तो ऑब्वियसली उसकी बुक्स पढ़ने के लिए लोग मांगेंगे। तो ये किस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई है कि अगर पुस्तक देते हैं तो वापस आने नहीं है, और नहीं देते हैं तो उनके लिखने का मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। इसलिए हम हमारी अगर कोई बुक लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये तो है नहीं कि हम लिख के उसको अपने पास रख देंगे कि भाई इसको हाथ मत लगाओ, इसको कोई पढ़ो मत, इसको कोई देखो मत। हम किसके लिए लिख रहे हैं? मैं अगर आज लिखवा रही हूँ तो मैं आपके लिए लिखवा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर लेखक लिख रहा है तो वो लोगों के लिए ही लिख रहा है, उनके पढ़ने के लिए लिख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ब्रोवर्स ऑफ बुक्स जो ले जा रहे हैं पुस्तक को, उसकी बुक्स को मांग के जो ले जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वापस लौटा ही नहीं रहे। तो क्या हो गया इसके लिए? एक ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन गई है कि देते हैं तो आती नहीं है, और लिखते हैं तो फिर देने भी जरूरी है। तो इस तरीके से दिस इज द ऑथर्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 14, ऑथर्स सेल्फ लव। सेल्फ लव मीन्स क्या होता है? अपना प्रेम, खुद का प्रेम। अबाउट हिज बुक्स, उसकी खुद की बुक्स के लिए जो ऑथर का खुद का प्रेम है, जो प्यार है, जो अटेंशन है, जो उसके खुद की जो मैटर जो उसने लिखे हुए हैं उसके लिए ऑथर का जो खुद का प्यार है, खुद का लव है, वो किस तरीके का है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में है आयरनी एंड जेंटल ह्यूमर। ह्यूमर किसको बोलते हैं? हास्य पर। ये आपके जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 30 पे देखना कि आयरनी है एक तरह से, और जेंटल ह्यूमर हास्य पर, मतलब कि ह्यूमर उसको बोलते हैं कि हमने हमारी बात मजाक मजाक में बोल भी दी और अगले को हमने समझा भी दिया। मतलब जैसे बोलते हैं कि टोंट मारना, तो एक लाइफ इज ऐसे के अंदर ये ह्यूमर ऐसे है कि इसके अंदर लेखक ने एक, मतलब एक स्टोरी के माध्यम से या एक तरीके से या एक हंसी हंसी के अंदर उसने सारी चीजें बातें बता दी। किसके ऊपर टोंट मार दिया उसने? ड्रॉवर्स ऑफ द बुक, किनको बुरा भी ना लगा और इनको इनकी बातें समझा भी दी गई। तो ये किस तरीके से है? ये ऐसे है आयरनी एंड जेंटल ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 13 में है देयर इज ह्यूमर व्हेन ही स्पीक ऑफ वोटिंग ओनली फॉर द पार्टी विच प्रॉमिस टू एलिमेंट बुक्स ड्रॉवर फ्रॉम ओवर सोसाइटी। क्या बोलता है वो? कि इस बार मैं उन लोगों को वोट दूंगा जो किताबों के बारे में मतलब सोचते हैं, जो सोसाइटी में ऐसे लोगों के प्रति
अति कठोर नियम बनाए, उन लोगों को मैं वोट दूंगा जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये था इसके अंदर कि ये मतलब मजाक मजाक में कही गई बात थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये चैप्टर अपना टोटली कंप्लीट हो चुका है। आपके सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला अपना है गांधीयन आउटलुक एंड सेकेंड इज ओवर बुकिश टॉपिक। दोनों के मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं और पॉइंट्स लिखवाए हैं। नोट्स आपको बनाना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ऑथर के बारे में आपको याद रखना है, ऐसे का इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है, समरी आपको याद रखनी है, देन उसके बाद में जो आपके पास पॉइंट आते हैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को करवा देती हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ जो पॉइंट्स लिख, वैसे तो मैंने बोर्ड पे लिखवा दिए हैं लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। ठीक है, क्लियर है सबके, इंट्रोडक्शन देना है ऑथर के बारे में। सेकेंड है आपका इंट्रोडक्शन टू द एसे, क्या करना है एसे का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, थर्ड आपका समरी ऑफ द एसे, समरी लिखनी है एसे की शॉर्ट में। ठीक है, इट्स ए एगोनी एसे। फोर्थ नंबर में ये दुख का चित्रण है, किसका है ऑथर का दुख है। ओके, कंप्लीट है। फिफ्थ नंबर पे आपका है ब्लैकेस्ट थॉट्स, किसके ब्लैकेस्ट थॉट्स है ऑथर के, लेखक के जो नकारात्मक विचार है किसके बढ़ती है ब्रॉवर्स ऑफ द बुक्स। ठीक है, कंप्लीट है। सिक्स नंबर पे पेन ऑफ द ऑनर ऑफ द बुक, पुस्तक किताबों के जो मालिक है उनका जो दर्द है उसके बारे में। ठीक है, सेवन नंबर पे बुक पैरेट, बुक पैरेट कौन है इसमें ब्रॉवर्स ऑफ द बुक, बुक पैरेट मीन पुस्तक चोर या पुस्तक डकैत। ठीक है, ब्रॉवर्स ऑफ बुक, ब्रॉवर्स ऑफ द बुक, किताबें जो ले जाते हैं वो किस टाइप के लोग हैं आपकी नजर में, वो किस टाइप के लोग हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, हाउ मेंटेन योर ओन लाइब्रेरी, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी किस तरीके से मेंटेन करोगे, समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपको अच्छे से कि आपको एक तरह का नियम बना लेना है, नहीं सॉरी आपको अपनी लाइब्रेरी के अंदर किसी को देना नहीं है, एक डेट डाल के देनी है, अगर डेट तक आते तो ठीक है, नहीं उसको आप पेनल्टी लगाएंगे आप उसके ऊपर। ठीक है, Why should an author want his own books? एक author, एक लेखक अपनी खुद की books किसी से अगर मांगता है तो क्यों नहीं मांग सकता वो, इसके बारे में आपको explain करना है। ठीक है, Make your own rules. आपको क्या नियम बनाना है, मैंने ऐसे पढ़ाया था जब मैंने बार बार समझाया था कि आपको एक नियम बना लेना है कि जिस तरीके से आप अपना खाना किसी से शेयर नहीं कर सकते उसी तरीके से आप अपना अपने बुक्स किसी से शेयर नहीं करेंगे। और आपको अगर अपनी बुक्स प्यारी है, इफ यू लव योर बुक्स देन नोबडी, दुनिया में धरती पे किसी को भी आपको अपनी बुक्स नहीं देनी, ये एक रूल्स आपको अपने लाइफ में बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नारायण सो बिटर अगेंस्ट द ब्रोकर ऑफ हिज बुक्स, उसकी किताबों को ले जाने वालों के प्रति नारायण का जो अत्यधिक कठोर व्यवहार है, बिहेवियर है, जो वो इतना कठोर किस लिए है, क्यों है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 12 क्लियर है यहाँ पर बिल्कुल। 13 दिस इज द ऑथर्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये लेखक की एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है समझाया मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि ऑथर का काम होता है लिखना, लेखक का काम लिखने का है, अगर उसकी लिखी गई पुस्तकें अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है, और अगर पुस्तकें मान के ले जा रहे हैं और उसको लौटा नहीं रहे, उसकी जो कॉपीज है जो उसने जो लिखी है वो उस तक वापस आ नहीं रही है तो उसके लिए वैसे प्रॉब्लम है। तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम बन गई है लेखक के लिए, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि ना इधर की ना उधर की। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ऑथर सेल्फ लव अबाउट हिज बुक, ऑथर का जो सेल्फ लव है, प्रेम है खुद की बुक्स के बारे में, किस तरीके का प्रेम है वो आपको इसमें समझाना है, ऑथर का जो किस तरीके का, लेखक का जो प्रेम है अपनी खुद की बुक्स के लिए वो किस तरीके का है। ठीक है, कि अपने बुक्स को किसी को देना नहीं चाहता है, अपने बुक्स को संभाल के रखते हैं, और उनकी खुद की बुक्स अगर खो जाती है तो खुद को अपनी बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, इस
तरीके की वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो खुद की बुक्स हैं उनसे वो ट्रेन करते हैं उनको, वो उसकी अपनी खुद की जो चीज है वो उनको अच्छी लगती है। लास्ट है आयरनी एंड जेंटल ह्यूमर। मैंने जैसे समझाया है कि एक मजाक मजाक में बात को बोल भी देना और सामने वाले को समझा भी देना, तो इसमें ह्यूमर में किस तरीके से कि वो बोलता है कि इस बार वोट पड़ेंगे तो मैं उन लोगों को वोट दूंगा जो किताबों के बारे में सोचते हैं, जो किताबों के बारे में एक्शन लेते हैं, तो इस तरीके का ये ह्यूमर है, मतलब ये पूरा ऐसे जो है आयरनी और ह्यूमर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप इसको देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो क्लियर है पूरा चैप्टर ये, कोई भी दिक्कत आपको कहीं से भी कुछ आ रही हो तो आप मेरे से पूछ लेना। दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मंडे तक, नेक्स्ट जो मंडे आएगा थर्सडे के दिन आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दिखाने हैं और मंडे तक आपको ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट क्लियर पूरे हो जाने चाहिए, नोट्स बना के हो जाने चाहिए, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। ऑथर दोनों के ऑथर के बारे में, पहले के ऑथर कौन है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, आर के नारायण दोनों के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या कहीं दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है घर पे तो आप या तो आके बुक्स ले जाओ, और अगर फिर भी आप नहीं आ पा रहे हो या अगर दूर हो तो आप मेरे को बोलना, मैं व्हाट्सएप पे आपको PDF फाइल पूरी सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, क्लियर है, थैंक यू।